हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बुक। एसएससी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। अगर हम बात करें यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 1/9/2023 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। एंड जो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2023 एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट तो 30/9/2023। अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गई है, तो इसको कब शेड्यूल किया गया, तो December 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, अगर हम इसमें पे स्केल के बारे में बात करें कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी है 21,700 से लेके आपको क्या 70,000 के अप्रोक्स आपको क्या सैलरी मिलेगी। अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें कि कितनी इसमें टोटल वैकेंसी आई हुई है, तो टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो 7,547 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए कॉन्स्टेबल एक्स मेल के लिए 258 वैकेंसी है एंड कॉन्स्टेबल एक्स मेल सर्विसमैन ओके तो इसके लिए 15। और ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे 14 वैकेंसी कांस्टेबल फीमेल के लिए 142 वैकेंसी आई हुई है। यूआर में टोटल 1502 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 268 पोस्ट, एसटी कैंडिडेट के लिए 150 और एससी कैंडिडेट के लिए 429 टोटल पोस्ट आई हुई। टोटल वैकेंसी 7,547। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, तो कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 25 ईयर एज ऑन 1/7/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1998। ओके, अगर हम रिजर्वेशन के बारे मतलब एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें कि कितना रिलैक्सेशन है, जैसे एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसमें बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, जैसे कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलेक्सेबल अप टू 11 पास फ्रॉम द। ओके, तो आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग अगर हम यहाँ पे कुछ वेटेज के बारे में बात करें, एडमिशन पार्ट, ठीक है ये वेटेज करें, फॉर्म अप्लाई के बारे में बात करें कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो आपको https.ssc.nic.in की साइट पे जाना है। देन आपके पास आपके ये फोटोग्राफ के कितनी आपके फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, तो इसका खास ध्यान रखना है आप लोगों को जब आप अपलोड करोगे। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें, तो जो फी पेएबल है वो 100 रुपीज है वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, एंड जो वुमेन कैंडिडेट है उन लोगों के लिए क्या रहता है इसमें फ्री है एसएससी में। ठीक है, विंडो फॉर एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो 13/10/2023 एंड 4/10/2023 करेक्शन के लिए है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें कि आपके एग्जाम कहाँ कहाँ होने वाले हैं, कहाँ का शेड्यूल किया गया, तो ये रीजन वाइज आपके एग्जाम होंगे, जैसे ईस्टर्न रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन है एंड मध्य प्रदेश सब रीजन, MPR, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ रीजन। ठीक है, अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो कितने फेज में आपके एग्जाम होंगे एंड इसका मोड क्या है, तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्या क्वेश्चन आएंगे, तो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। अगर हम सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, तो इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पूछेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, रीजनिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15, मैक्सिमम मार्क्स आपके 15, और कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहेंगे 10। There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. Negative marking रहेगी 0.25 की। इसमें पूरा details में syllabus दिया हुआ है कि GK में आपको क्या पढ़ना है, reasoning में and numerical ability हो गया, जैसे computer में आपको क्या पढ़ना है।
इसमें फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, एंड फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया, एंड स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट का कितना यहाँ पे विड्थ होनी चाहिए, ये सब जैसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा आपका, तो मतलब कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने देख ली, इसके अदरवाइज हम और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमने मोड ऑफ सिलेक्शन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है वो सब हमने डिस्कस कर ली, टोटल वैकेंसी के बारे में हमने बात किए थे, टोटल वैकेंसीज कितनी थी तो वो भी हमने देख ली कि 7547 क्या है टोटल वैकेंसी है, 7547 क्या है टोटल वैकेंसी है, ओके बच्चों। तो इसके अदरवाइज अगर आप लोगों को डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम टाइम टू टाइम इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल।